सर्जिकल स्ट्राइक पर संजय निरुपम के बयान से कांग्रेस का किनारा। रणदीप सुरजेवाला बोले, सेना के ऑपरेशन पर शक नहीं, लेकिन पहले भी होती रही है सर्जिकल स्ट्राइक। दिल्ली में भारत इंटरनेशनल टूरिज्म बाजार कार्यक्रम के दौरान हंगामा। केजरीवाल के मंत्री कपिल मिश्रा ने महबूबा मुफ्ती से पूछा सवाल, बुरहान वानी को आतंकी मानती हैं या नहीं। आतंकी हमलों की आशंका के चलते दिल्ली और मुंबई में सुरक्षा कड़ी। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस का अलर्ट, मुंबई में भी रिमोट कंट्रोल एरियल डिवाइस और ड्रोन पर रोक। सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक सरकार को निर्देश, तमिलनाडु को दिया जाए 2000 क्यूसेक पानी, 7 से 18 अक्टूबर तक छोड़ा जाए पानी। राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई एक्ट्रेस रूपा गांगुली, 2015 में थामा था बीजेपी का हाथ, महाभारत सीरियल से हुई थी हिट। लोढ़ा कमेटी की सख्ती से बीसीसीआई ने दी भारत न्यूजीलैंड सीरीज को रद्द करने की धमकी। जस्टिस लोढ़ा की सफाई, बोले बैंक अकाउंट फ्रीज करने के नहीं दिए निर्देश। एयर एशिया के बाद अब स्पाइसजेट का सस्ते टिकट का ऑफर, घरेलू रूट पर 888 रुपए और इंटरनेशनल रूट पर महज 3700 रुपए में सफर का मौका। 7 अक्टूबर तक होगी बुकिंग।